राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तकलीफ इस बात की है कि लालू यादव जी को जेल जाना पड़ा। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जेल भेजने का काम नहीं किया है। अगर जेल गए हैं लालू प्रसाद यादव, उसमें शिवानंद तिवारी की भी सबसे बड़ी भूमिका है, जो आज इनके सबसे बड़े सलाहकार बनकर बैठे हुए हैं। कोर्ट ने आपको सजा देने का काम किया है, हमने तो विपक्ष के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, मामले को उजागर किया, हमने सारे मामलों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को लोगों के सामने रखने का काम किया। ये सजा सुशील मोदी नीतीश कुमार ने देने का काम नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने आपको सजा देने का काम किया है। और इतना ही नहीं सरदी महोदय, नेता प्रतिपक्ष को दोजाना साहब को गुस्सा इस बात का है कि दोजाना साहब का अरबों खरबों का जो मॉल बन रहा था, मेरे कारण मॉल बनना बंद हो गया। इनको गुस्सा इस बात का अध्यक्ष महोदय कि 28 साल की उम्र में नेता प्रतिपक्ष ने 54 से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लिया। कोई बता दे, अरे जाकर बताइए लोगों को, बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है? कैसे टिकट के बदले रघुनाथ झा से लिखवा लिया, कांति सिंह से लिखवा लिया, कैसे विधान परिषद के फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय से और दान में जमीन जायदाद मकान लिखवाकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर लिया? अगर हिम्मत है तो बिहार के युवाओं को जाकर बताइए कि किस तरह से दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बेरोजगारी को दूर करने का काम किया। और अध्यक्ष महोदय, जितना सबूत हम लोगों ने पेश कर दिया है, कोई बच नहीं पाएगा कानून के दायरे से। जितने दिन आप बच सकते हैं बच जाइए, लेकिन कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ चुनौती देता हूं, कोई नीतीश कुमार पर अंगुली भी नहीं उठा सकता है। 15 साल हो गया हम लोग को सरकार पर, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। सृजन घोटाला क्या आरोप है? ये तो राबड़ी देवी थी जिसने वो जो सृजन घोटाले का जो कार्यालय था जगदीशपुर में, उसके लिए मकान आवंटित करने का काम तब हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज के इस बजट भाषण के माध्यम से और मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से 15 साल हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, आगे भी हम उसी प्रकार बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब बिहार को हम देश के विकसित राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा नहीं करेंगे। और मित्रों, इसलिए अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ, यदि विपक्ष के लोगों ने जिस तरह की नारेबाजी की, जिस तरह वेल में आकर नारा लगाते रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम इसे डिगने वाले नहीं हैं, हम हिलने वाले नहीं हैं। वो जमाना विजेंद्र बाबू ने देखा, लोगों ने देखा है कि जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर आकर राजद के गुंडे विधायकों ने मेरे हाथ को मरोड़ने का काम किया था, वो दिन लौट कर नहीं आने देंगे। अध्यक्ष महोदय, वो दिन लौट कर नहीं आने देंगे। और लालटेन युग अब लौट कर बिहार में नहीं आएगा। बिहार एलईडी से आगे की दिशा में बढ़ चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को बजट भाषण सुनने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।